अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे PS5402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लेसन 22 को, साउंड परसेप्शन। टॉपिक 92 है सबसे पहले, तो इसके अंदर परसीविंग साउंड्स कह रहे कि सेंस ऑफ हियरिंग के लिए आवाज़ को परसीव करना भी ज़रूरी है। लाउडनेस की बात करा है कि इट इज़ रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड और साउंड प्रेशर, सो डेसिबल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद साउंड। डेसिबल जो है वो फिजिकल मेजरमेंट है और साउंड जो है वो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है। कह रहे कि डिफरेंट वेवफॉर्म्स आर गिवन इन डायग्राम, डिफरेंट वेवफॉर्म एंड साउंड के हिसाब से जो है उनकी वेव जो बनती है वो डायग्राम में दिखाई गई है। पिच क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड हाई और लो, इसे म्यूजिकल स्केल पर मेजर किया जाता है। लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद लो पिच, हाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद हाई पिच। आगे टोन हाइट इज कह रहा है कि टोन हाइट इज परसेप्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ इंक्रीजिंग पिच दैट अकंपनीज इंक्रीज इन अ टोन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। टिम्बर क्या है, दो क्वालिटीज जो दो टोन्स के दरमियान फ़र्क करती हैं, वो क्वालिटी जो दो टोन के दरमियान फ़र्क करती हैं, इन दो टोन्स की लाउडनेस पिच और ड्यूरेशन एक जैसी है, लेकिन फिर भी मतलब टिम्बर के दोबारा सुन लें, वो क्वालिटीज़ जो दो टोन्स के दरमियान फ़र्क करती हैं इनको टिम्बर कहते हैं। इन दो क्वालिटीज़ की लाउडनेस पिच और सेम है एक जैसी, लेकिन फिर भी इनकी साउंड मुख्तलिफ है। मसलन फ्लूट यानी बांसुरी और बेसून, बांसुरी की तरह एक लंबा फूंकने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर एक ही नोट को टोन एक जैसी लाउडनेस के साथ हम करें, अगर इनको बजाएं, तो फिर भी हम इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, ये टिम्बर की वजह से है। आगे आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले तो ईयर का स्ट्रक्चर है, हम आउटर ईयर की तरफ डायरेक्ट जाएंगे। तीन है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर ईयर को देखते हैं, आलसो कॉल्ड पिन्ना। आमतौर पर जब हम कान की बात करते हैं तो आउटर ईयर जो हमें नज़र आता है हम इसी को रेफ़र करते हैं। ये साउंड को इकट्ठा करके कान के अंदर ले जाता है। पिन्ना साउंड्स जो है वो पिन्ना से गुजरकर ऑडिटरी कैनाल में जाती है, जो कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब का एक स्ट्रक्चर है। इसके आगे ईयर ड्रम लगा होता है, साउंड ईयर ड्रम के साथ टकराती है और वहाँ ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट करता है। ये ओवरऑल हो गई आउटर ईयर की। आगे है मिडिल ईयर। मिडिल में कह रहा है कि ईयर ड्रम इसके ईयर ड्रम से वाइब्रेशन मिडिल ईयर में मौजूद स्ट्रक्चर्स तक पहुंचती है। ये मिडिल ईयर में जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब की एक छोटी सी कैविटी है, जो कि आउटर और इनर ईयर को सेपरेट करता है। इस कैविटी में 3 बोन्स हैं जिनको ओसिकल्स कहते हैं। ये बॉडी के स्मॉलेस्ट बोन्स हैं और मेलिकस जो है वो हैमर की तरह पहली हड्डी है, जो कि ईयर ड्रम के साथ जुड़ी होती है, और ये वाइब्रेशन को दूसरी जो बोन्स हैं एनविल और तीसरी स्टिरप बोन तक पहुंचाती है। आगे हम बात करेंगे इनर ईयर की। यहाँ शुरू हो रहा है हमारा इनर ईयर। इट इज़ आ लिक्विड फील्ड कोकलिया। ये एक स्नेल घोंगे की तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें मौजूद लिक्विड वाइब्रेट करता है। इनर ईयर में हेयर सेल्स भी होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल। इन सेल्स पर सीलिया लगे होते हैं जो कि वाइब्रेशन की वजह से मूव करते हैं और जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब साउंड हमारे कान के अंदर जाती है तो हल्की सी वाइब्रेट जब होती है, हल्की साउंड भी जाती है, तो ये सीलिया जो है वाइब्रेट करते हैं। हेयर सेल्स है इनर हेयर सेल, आउटर हेयर सेल मैंने आपको बताया। सीलिया की बात कर रहा है कि जो इनके ऊपर हेयर सेल्स लगे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अबाउट 3500 इनर हेयर सेल्स होते हैं और 12000 जो हैं आउटर हेयर सेल्स होते हैं। बैसिलर मेम्ब्रेन का क्या काम है, सपोर्ट द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड वाइब्रेट इन रिस्पांस टू साउंड। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है एक्सटेंड ओवर द हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के ऊपर जो है वो फैली होती है। आगे सीलिया बहुत ज़्यादा कह रहे सेंसिटिव होते हैं और मामूली सी आवाज़ को सुन सकते हैं।
हल्की से हल्की वाइब्रेशन पर भी वो मूव करते हैं। ये सीलिया की डायग्राम बनाई, मॉडल डायग्राम बनाई हुई है। टॉपिक नाइन्टी फाइव है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच की परसेप्शन कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड आवर परसेप्शन ऑफ पिच में कह रहा है कि पिच की परसेप्शन जो है वो टोन की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होती है। जॉर्ज वॉन को 1961 में फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने हेयरिंग की फिजियोलॉजी पर रिसर्च की थी। प्लेस थ्योरी ऑफ हेयरिंग, इसमें कह रहा है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारे कोकलिया में फायरिंग या एक्टिवेशन किस हिस्से में सबसे ज़्यादा है, इसी हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। आगे यहाँ से हम देखेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स और डायग्राम्स बना के दिखाया गया है, चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। एविडेंस फॉर प्लेस थ्योरी, प्लेस थ्री क्या है, कह रहे कि जो हमने अभी पढ़ी भी प्लेस थ्री, इसकी एविडेंस क्या है कि प्लेस थ्री दोबारा सुन लें कि साउंड की फ्रीक्वेंसी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारे कोकलिया में फायरिंग या एक्टिवेशन किस हिस्से में सबसे ज़्यादा है, इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी बनती है। यह प्लेस थ्री, अभी काफ़ी सारे सबूत हैं जो कि प्लेस थ्री को ठीक साबित करते हैं। कोकलिया के अंदर इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सिस को स्टडी किया गया और हर फाइबर की जो तादाद है, कह रहा है कि फाइबर की 1 किलोहर्ट्ज़। के अंदर जो किलोहर्ट्ज़, सॉरी 1 किलोहर्ट्ज़ कह रहा हूँ, कि फाइबर्स की जो है फ्री किलोहर्ट्ज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी को किलोहर्ट्ज़ के अंदर मैयर करते हैं हम, और 1 किलोहर्ट्ज़ जो है 1000 हर्ट्ज़ के बराबर है। ऑडिटरी मास्किंग, हमारा हर रोज़ का एक्सपीरियंस है कि हम दो आवाज़ें एक साथ सुन सकते हैं, एक आवाज़ दूसरी आवाज़ को क्लाउड करती है। इसमें यह स्टडी किया गया कि हम एक आवाज़ जिसे आप सुन रहे हैं कि एक आवाज़ जिसे आप सुन रहे हैं और कोई आवाज़ भी इसके साथ आने लग जाए, तो जिस आवाज़ को आप सुन रहे होते हैं इसमें किस हद तक कमी वाक़या होती है। ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब है दहलीज, लिमिट, मिनिमम अमाउंट ऑफ साउंड विच कैन बी लिसन इज कॉल्ड ऑडिटरी थ्रेशोल्ड। हमारे जो इंसानी ईयर की थ्रेशोल्ड है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक है। अकाउस्टिक प्रिज्म, कोकलिया अपनी पूरी जो लेंथ में फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे लाइट प्रिज्म में लाइट जो है वाइट लाइट 7 कलर्स में तकसीम होती है, इसीलिए इसे हमें हमने अकोस्टिक प्रिज्म का नाम दिया है। फेज लॉकिंग, जब सेम फेज में साउंड वेव पर कोई फायरिंग हो तो इस जगह पर दोबारा फायरिंग नहीं होती, कुछ देर बाद कुछ देर का वक्फा दिया जाता है, इसे इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बनती है। टेम्पोरल कोडिंग है कनेक्शन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड स्टिमुलस एंड द टाइमिंग ऑफ ऑडिटरी नर्व वेयर फायरिंग या एक्टिवेशन, फायरिंग की जगह पर एक्टिवेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पैटर्न्स ऑफ फायरिंग कह रहा है कि इंडिकेट दैट फेज लॉकिंग अकर अप टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 4000 हर्ट्ज़। एमसीक्यूज का वाले से इंपॉर्टेंट है। हेयरिंग लॉस के अंदर कह रहा है कि हेयरिंग किन वजह से लॉस हो सकती है, ब्लॉकेज ऑफ साउंड फ्रॉम रीचिंग द रिसेप्टर्स कॉल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, उसके अलावा डैमेज टू हेयर सेल्स, डैमेज टू ऑडिटरी नर्व ऑफ द ब्रेन। कह रहे हैं कि हेयरिंग लॉस ड्यू टू डैमेज टू हेयर सेल्स, ऑडिटरी नर्व और ब्रेन इज कॉल्ड सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ये इसको ओवरकम करने के लिए कोकलियर ट्रांसप्लांट और न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दी है, एमसीक्यूज़ के वाले से यहाँ पे चीज़ इम्पोर्टेंट है करने वाली है। सोनिक एमजी है, ये क्या है, अ वेरी फास्ट स्पोर्ट्स कार है। SON है, इससे बनता है सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई। IC से बनता है इन्फीरियर कोलिकस कोलिकुलस, और MG से बनता है मेडिकल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये एमसीक्यूज़ के वाले से इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अच्छा, हमारा लेसन जो है एंड होने लगा है। व्हाट एंड वेयर स्ट्रीम्स, कह रहे हैं कि हेयरिंग में हमें ये भी पता चलता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और किस चीज़ की आवाज़ है। ये दोनों दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन PS5 402 का लेसन 22। अल्हम्दुलिल्लाह मिड टर्म का जो सिलेबस है हमने कर दिया है कवर, और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत लेंथी लेक्चर थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना आसान अल्फाज में और जितना शॉर्ट कर सकूँ इनको करूँ।
मेहनत कीजिएगा लेक्चर्स को, अगर एक बार समझ नहीं आती दूसरी बार सुने, दूसरी बार नहीं आती तीसरी बार सुने, 3 से 4 बार भी अगर आप एक लेक्चर को सुन लेंगे ना, अव्वल तो पहली दफ़ा समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदे को समझ नहीं आती जल्दी, अंडरस्टैंड बंदा नहीं कर पाता, तो आप 3 से 4 बार लेक्चर रिपीट करें, आपको इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।